अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें कि आज इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तीन बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। कौन से तीन खिलाड़ियों को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया है और इनकी जगह कौन से नए तीन खिलाड़ियों को खिलाया जाएगा, ये मैच आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कितने बजे शुरू होगा और आप दोस्त किस तरह लाइव देख सकेंगे, आइए ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आगाह करते हैं। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले नीचे सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आप दोस्तों को पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ की मुकम्मल लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे। जी तो दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान आज दूसरा वनडे मैच 10 जुलाई यानी 2021 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 3 बजे शुरू होगा। इसके बाद अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तीन बड़ी तब्दीलियों की बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में पहली बड़ी तब्दीली ये की गई है कि साउथ शकील को आउट करके इसकी जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जाएगा। यह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में दूसरे वनडे मैच के लिए पहली तब्दीली होगी। अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की दूसरी बड़ी तब्दीली की बात करें वो है विकेट कीपर की। मोहम्मद रिजवान को आउट करके इसकी जगह सरफराज अहमद को खिलाया जाएगा। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में दूसरी बड़ी तब्दीली होगी। अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तीसरी बड़ी तब्दीली की बात करें वो है स्पिनर बॉलर की। शादाब खान को आउट करके इसकी जगह दूसरे वनडे मैच में मोहम्मद नवाज को खिलाया जाएगा। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में तीसरी बड़ी तब्दीली होगी दूसरे वनडे मैच के लिए। अगर आप दोस्त इस दूसरे वनडे मैच को अपने मोबाइल पर अभी लाइव देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक दिया है, आप दोस्तों उस लिंक पर क्लिक करके भी ये मैच आसानी के साथ लाइव देख सकते हैं। आप दोस्तों क्या लगता है ये दूसरा वनडे मैच कौन सी टीम जीतेगी, पाकिस्तान या इंग्लैंड? नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर करें। शुक्रिया।